बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास टू, ओपन योर बुक स्मार्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर टू, पेज नंबर 31। चैप्टर नंबर टू, पेज नंबर 30, एडिशन विद इन 1000। ओके बेटा, हम आज चैप्टर नंबर टू का आगाज कर रहे हैं। चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने जो है क्या क्या करना है, ऐड नंबर्स विदाउट कैरिंग, जिसमें हमने नंबर्स को ऐड करना है विदाउट कैरिंग, ऐड नंबर्स विद कैरिंग, कुछ कैरी वाले क्वेश्चन होंगे, सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि स्टोरी सम्स की फॉर्म में आपको कुछ क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हमने सॉल्व करने हैं। और इस चैप्टर में बेटा जो वोकैबुलरी वर्ड्स जो यूज़ होने हैं, वोकैबुलरी यूज़ होनी है, तो सभी के सेम मीनिंग है लेकिन उनको डिफरेंट फॉर्म में, वोकैबुलरी की फॉर्म में यूज़ किया गया है। लाइक ऑल टुगेदर, रीग्रुप करना, सम प्लस, ऐड हॉरिजॉन्टली, कैरी फॉरवर्ड, ऐड वर्टिकल, टोटल, एडिशन। अब बेटा ये देख लें, ये मोस्ट जो है वो 8 से 9 ये वर्ड हैं। अब इन सभी का मीन जो है वो एक ही है, मतलब सब में बेसिक जो कहते हैं उसको ऐड ही करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम वर्ड जो है वोकैबुलरी वो डिफरेंट यूज़ कर लेते हैं। ऑल टुगेदर, रीग्रुप, सम प्लस, ऐड हॉरिजॉन्टली, कैरी फॉरवर्ड, ऐड वर्टिकली, टोटल, एडिशन। ओके, हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 31 से। पेज नंबर 31, ऐड टू डिजिट नंबर्स विदआउट कैरिंग। तो टू डिजिट नंबर्स जो है आपने चैप्टर नंबर 1 जो है वो बेटा पढ़ लिया है, उसमें आपने 3, 4, 5 डिजिट तक जो है पढ़े हैं, जिसमें जो फर्स्ट डिजिट होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिट्स आर 1, जिसको हम वंस के नाम से भी जानते हैं, यूनिट आर 1s, ठीक है। सेकेंड जो डिजिट होता है वो क्या होता है, 10s, जबकि थर्ड डिजिट हमारे पास क्या होता है, 100। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमारे पास 2 डिजिट्स में है, तो हम इसी को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1, ये एग्जांपल दी हुई है सबसे पहले, पे नंबर 31, यूनिट्स 10s, ओके, 24 प्लस 32। अब इसमें पॉइंट ये है कि जब भी आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है बेटा, हमेशा यूनिट से या यहाँ पर जो वंस लिखा होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैथ का रूल है, आप हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए, लेफ्ट से राइट की जानिब आप नहीं जाएंगे। तो मतलब आप हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यूनिट प्लेस, या फिर इसको हम वंस प्लेस भी कहते हैं, तो आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। 4 प्लस 2, 1, 2, 3, 4, इसमें बेटा 2 हमने क्या करने हैं, प्लस करने हैं, 1 और 2। अब प्लस मीन्स आपने टोटल इनको काउंट कर लेने, वो कितने हैं, देखें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ओके, देखें ज़रा 6 है। उसके बाद है 2 प्लस 3, 2 और 3 को ऐड करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल कितना आ गया, 5, ओके। अब इसमें देखें ज़रा, यहाँ पर हमारे पास जस्ट एक जो है उसने डॉट की जो फॉर्म में शो किया है 1.111, लेकिन यहाँ पर 10s है। अब ये एक वर्टिकल लाइन है जिसमें 10 डॉट हैं, टोटल 1, यहाँ पर हमें 1 और 2 नज़र आ रहे हैं, तो बेसिकली ये 2 जो है ये 2 10s हैं, 2 10s मीन्स 20, और ये 4, सो 24। इस तरह से कि कोई सी बच्चे ने ये कहना है कि यहाँ पर जो है ये 1 और 2 जस्ट डॉट हैं, तो यहाँ पर जो है ये 3 लाइनें हैं और लाइंस में डॉट हैं या ब्लॉक हैं या जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, तो बेसिकली इस एक लाइन के अंदर 10 स्क्वायर हैं। तो अगर ये 2 लाइंस हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें 20 जो है वो स्केयर है, यानी कि 2 10s are 20। सो इसी तरह यहाँ पर जो है 3 लाइंस हैं, सो 3 10s are 30, जिसको 32 लिखा हुआ है। सो हमने बेसिक 10s को 10s में जब करना है, तो तब हमने 10s ये नहीं चेक करना है कि इस लाइन में कितने स्केयर हैं, तब हमने इनको 10, क्योंकि ऑलरेडी है तो हमने इसको जो है 1 और 2 ही काउंट करना है। सो 1, 2, 3, 4, 5, सो 5। सो इसका आंसर कितना आ गया, 24 प्लस 32, 56 के इज इक्वल होता है। ओके, अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऐड 35 प्लस 33, 35 में 33 ऐड करने हैं, तो अभी जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमेशा यूनिट से स्टार्ट करना है, यूनिट प्लेस से 5 प्लस 3। अब यहाँ पर क्या करना है, ऐड प्लस मीन्स टोटल करना है, अब इन सबको काउंट कर लें, लेकिन यूनिट को यूनिट में काउंट करना है। ऐसा नहीं है कि आप यूनिट को टेंस में काउंट कर लेंगे, यानी कि 5 ये और 3 ये, तो गलत हो जाएगा। ये 5 यूनिट और 3 यूनिट्स, तो टोटल जितना भी होगा देखते हैं ज़रा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बेटा आंसर आ जाएगा 5 प्लस 3, 8। उसके बाद क्या है, 3 एंड 3, अब 3 और 3 को ऐड करना है, 1, 2, 3, 4,
फाइव सिक्स, यहाँ पर आ जाएगा सिक्स। सो 35 प्लस 33 इज इक्वल टू 68। ओके, तो यहाँ पर भी लिखने हैं 35 प्लस 33 इज इक्वल टू 68। ओके, क्वेश्चन नंबर टू देखें ज़रा। अब यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इधर तो उसने नंबर्स लिखे हुए थे लेकिन यहाँ पर नंबर्स भी नहीं लिखे हुए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हमने यूनिट प्लेस पे देखने हैं, काउंट करने हैं कितने हैं, 1 2 3 4। तो आपने जो टॉप साइड पे राइट साइड पे जो यूनिट है उसमें लिख देना है 4। उसके बाद बॉटम साइड पे देखें जो है 1 2 3 4, तो इधर भी यूनिट में कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ भी हम लिख देंगे 4। उसके बाद देखें ज़रा टेंस प्लेस में, जो टॉप पे 10 है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ओके, अब देखें नीचे 1 2 3, तो अब यहाँ पर 3 आ रहा है, तो बेटा इधर लिखा जाएगा 3। तो पहले इनको काउंट करके इस तरह से लिख रहे हैं। अब हमने ऐड करना है 4 प्लस 4, यानी कि यूनिट्स को यूनिट में 4 में 4 को ऐड करेंगे, मतलब हम इन टोटल जो है यूनिट वालों को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 प्लस 4 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 8। उसके बाद है 4 एंड 3, 1 2 3 4 ऐड करना है तो सबको काउंट करेंगे 5 6 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। सो 44 प्लस 34 इज इक्वल टू 78। अब यही आंसर जो आपका इधर आंसर आएगा, आपने उसको इधर जो है इधर भी राइट आपने करना है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर है 32। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 32। ओके, देखें हमारे पास है जी 37 प्लस 22। 37 और 22 को ऐड करना है, तो सबसे पहले इनको यूनिट प्लेस को यूनिट में ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 7 प्लस 2 कितना आएगा 9। ओके, 3 प्लस 2, 3 में 2 ऐड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 प्लस 3 कितना आएगा बेटा 5, तो 59। और यही आंसर आपने इधर 37 प्लस 22 इज इक्वल टू 59, आपने इधर भी इसको राइट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, अगर पॉइंट ना समझ आए तो फिर आप लोगों ने पूछ लेना है। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 33। 33 पर जो अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो बेटा जो है 2 डिजिट नंबर्स को हमने ऐड किया था। अब जो है हम कर रहे हैं एडिंग 3 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग, लेकिन अभी भी जो हम क्वेश्चंस करें वो सिंपल से क्वेश्चन है, एडिंग वाले क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन अब जो है ये 3 डिजिट्स में हो चुके हैं, यानी कि यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स। ओके, 0 प्लस 0, देखें यहाँ भी बॉक्स खाली है तो यहाँ भी बॉक्स खाली है, एम्प्टी है तो एम्प्टी प्लस एम्प्टी 0 प्लस 0 बेटा 0 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें टेंस प्लेस पर भी 0 0, मतलब दोनों के अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि खाली है तो इधर क्या आएगा, फिर इधर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। ओके, अब देखें जरा 1 एंड 2, 100 प्लेस में 1 एंड 2 और इधर 100 प्लेस में 1 2 3, तो टोटल ऐड करेंगे 1 2 3 4 5, तो बेटा कितना आ जाएगा 5। सो 200 प्लस 300 कितना बनता है 500। ओके, तो यहाँ पर आपका लिखा जाएगा 500। ओके, अब यहाँ पर बाय मिस्टेकली बेटा जो नीचे प्रिंट किया गया है वही ऊपर लिखा गया है, इधर बेसिकली लिखना ये था 300 प्लस 200, अब इसको ऐड करके इधर उधर दोनों में लिखा जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ऐड 320 प्लस 246। अब इन दोनों को ऐड करना है, अब देखें यहाँ पर यूनिट प्लेस में यूनिट को, यहाँ पर एम्प्टी है मतलब खाली है और नीचे क्या है 6, तो टोटल इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 ही रहेगा क्योंकि ऊपर वाले में कुछ भी नहीं है। उसके बाद टेंस प्लेस चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 प्लस 4 कितना आना है 6। उसके बाद है जी 100 प्लेस को चेक करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो 3 प्लस 2 कितना बन जाएगा 5। 320 प्लस 246 बेटा जब इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 566, तो आपने यहाँ पर जो है इसका आंसर लिखना है 566। ओके बेटा, जितना हमने काम किया है आज पेज नंबर 30 से लेके पेज नंबर 33 तक, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी अपनी रफ नोटबुक के ऊपर, और जब ये इनकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपने इनको अपनी नीट नोटबुक के ऊपर जो है वो अच्छे से राइट कर लेने हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।